राजू अपना छोटा सा एक बिजनेस चलाता है और वो अपने सुपरमार्केट में चलते चलते सोचा बिजनेस को अगर और बढ़ाना है तो और लोन चाहिए होगा। तो राजू एक बैंक अप्रोच किया और वहां के बैंक मैनेजर के पास चला गया। सर जी मुझे एक लोन चाहिए। लोन्स के लिए आपको 3 साल का ITR देना होगा और बैंक के KYC डॉक्यूमेंट्स भी। राजू ने कभी ITR फाइल नहीं किया था और वो काफ़ी सैड होकर वहाँ से निकला और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में चला गया। मिस्टर राजू IT फाइलिंग का डेट चला गया और आप सिर्फ 21 साल का IT रिटर्न्स फाइल कर सकते हो और उस पर भी आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी देना होगा। ये सुनकर राजू पे आंसू की बारिश होने लगी। तो आज के इस वीडियो में हम top 7 रीजंस जानेंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स क्यों फाइल करना है ताकि आप पर भी ऐसे आंसू की बारिश ना करें। नंबर 1 पे आता है लोन प्रोसेसिंग। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स जरूर फाइल करना चाहिए। अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो तो शायद आपके फॉर्म 16 से काम चल जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर आपका ईयरली टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो और इन केस सीनियर सिटीजन्स 3 लाख से ज़्यादा हो तो आपको कंपल्सरली इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी होता है। नंबर 2 टैक्स रिफंड। अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया है और आपको रिफंड चाहिए तो उस टाइम पे भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना ज़रूरी है। नंबर 3 पे आता है इनकम टैक्स नोटिस से बचना। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का चांस होता है। मैंने वो लिस्ट अलग सा वीडियो में कवर किया है जो आप इस वीडियो के ऊपर दिए गए हुए आई बटन में जाकर क्लिक कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से आप इन नोटिस से बच सकते हो। नंबर 4 आपके वीज़ा प्रोसेस में बहुत ही यूजफुल होता है। नंबर 5 आपके बिजनेस या कैपिटल गेंस या हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम के लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। नंबर 6 आपका ईयर्स का एक्युमुलेटेड इनकम का प्रूफ बन जाता है। नंबर 7 आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स एड्रेस प्रूफ के फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये था top 7 रीजंस आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स क्यों फाइल करना है। 2020-21 ईयर का IT रिटर्न का लास्ट डेट इंडिविजुअल्स और HF के लिए 30 सितंबर 2021 है। इस डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट कर सकते हो और हाँ, हमेशा की तरह प्लीज़ टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, ये हमें ज़रूर मोटिवेट करता है। धन्यवाद।